पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवारों को चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। इसके बावजूद इमरान खान की पार्टी सरकार बनाती नहीं दिख रही है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी कम सीटों के बाद भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के परिणाम को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे ये तो साफ है कि वहां की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। वहीं आपको बता दें कि जो आसार बन रहे हैं उससे इस बात की संभावना है कि नवाज शरीफ की अगुवाई में ही एक मिलीजुली सरकार बनेगी, लेकिन एक कमजोर गठबंधन होने की वजह से सरकार की चाबी पाकिस्तान सेना के हाथ में ही होगी। जानकारी दे दें कि नवाज शरीफ ने सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने बिलावल के साथ गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चुनावों में जीत का भी दावा किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि उनकी राजनीतिक पार्टी वोटिंग में सबसे बड़ी बनकर उभरी है और गठबंधन सरकार बनाने पर चर्चा करेंगी। इस बयान से पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है। चुनावी नतीजों में इमरान की पार्टी समर्थित उम्मीदवार वैसे तो सबसे आगे चल रही है, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है।